आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम माइक टेस्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो, माइक माइक चेक 1 2 3 गाइस, मेरा माइक नहीं काम कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। इस वक्त रात के 3:15 बज रहे हैं और मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ बैठ के, वो भी पूरे फोकस के साथ। इसका बैकग्राउंड ये है कि आज से तकरीबन 3 जुलाई अगस्त 3 महीने पहले हमारा 8वां सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। बैचलर्स कर रहे हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसका जो 8वां फाइनल सेमेस्टर था उसका आगाज़ हुआ। उसके आगाज़ में टीचर्स ने हमें कहा कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू कर दो। 25 जून थी, पता नहीं क्या तारीख थी, मुझे नहीं याद। उन्होंने कहा था कि तैयार करना शुरू कर दो, लेकिन हमने उस वक्त कहा यार बहुत टाइम है, कर लेंगे। इस टाइम ये हालात हैं, कल जो है इसकी फर्स्ट सबमिशन है और मैं इस टाइम बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो अभी हमारे पास 2-3 टास्क हैं। एक तो हमें ड्राफ्ट बनाना, दूसरा हमें स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, तीसरा हमें ये काम करना है कि स्टोरी बोर्ड बनाना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे जहर लगता है स्टोरी बोर्ड बनाना। यार बंदे कुछ दिल में आ रहा है, बंदा वो लगाए उसके ऊपर कि पहले से बंदा सोच के बैठा था इसको तो ये लगाना है, तो उससे जो सोचने में टाइम खर्च करना है ना, लगाने में बंदा खर्च करे तो वो काम जो है ना हमारा टाइम स्पेंड भी कम लगेगा। और हवा चल रही है, दरवाज़ा बंद होता है ना, मुझे बार बार ऐसे लगता है कोई आ रहा है। तो जो मैं बता रहा था कि जो टाइम स्पेंड जो तुमने पहले स्टोरी बोर्ड पर लगाना है, उसके बाद तुमने एडिटिंग में लगाना है, वो चीज़ें ढूंढ के जो लगानी है, तुम एक ही दफ़ा बैठ के पहले एडिटिंग कर लो, ठीक है? उसके बाद स्टोरी बोर्ड में साथ साथ लिख दो कि हमने ये लगाया, बीच में यहाँ पर ये लगाना था, इसके आगे ये लगाना था, इसके आगे ये लगाना था। ये सबसे ईजी तरीका है, ये ईजी मुझे ही लगता है, बाकियों की अपनी अपनी मर्जी है, जिस जिसने जैसे काम करना है वैसे करे। मैं जिसका भी काम करूँगा मैं ऐसे करूँगा, करना तो नहीं मैंने किसी का भी, फिर भी 2-3 लोगों के प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो बस इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, देखते हैं क्या करना है। अभी बस मैं काम कंप्लीट कर दूँगा, दिखाता हूँ। पहली आपस की बात यह है कि मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए करनी पड़ी है। फिर भी दूसरी आपस की बात यह है कि जो आप खुद भूल चुका हूँ कि मैंने पिछले क्लिप में क्या बात की थी। हाँ, ये क्लिप में तीसरी चौथी दफ़ा रिकॉर्ड करो, क्योंकि मैं पिछले क्लिप्स में माइक लगाना भूल गया था। और तीसरी आपस की बात यह कि जो माइक मैंने लगाया होगा, ये हम 3 दोस्तों ने आज से 4 साल पहले पैसे डाल के लिया था। जिसके बाद ये माइक फजूल पड़ा रहा, कुछ देर बाद इसको इस्लामिक लेक्चर्स के लिए यूज़ किया गया, किसी किस्म के किसी को चाहिए था हमने उसको दे दिया था इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास वापस आया तो ज़ाहिर साहब ने अपने करीबी दोस्त को दे दिया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर हमारे पास से गया माइक। उसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, लॉकडाउन खुला है थोड़ा सा, तो ये माइक हमारे पास आया और मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, चलिए फिर आप लोग सारे सो जाए, हम सुबह मिलेंगे सबसे। बाय, अभी हम पढ़ने लगे हैं। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ ऑफिस, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई। मैं सो गया था, आज मेरी सबमिशन थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम पर मैं उठा ही नहीं गया और मैं सोया रहा। 12 बजे उठ के तो ये सारा कुछ कर रहा, ऑफिस खड़ा हूँ। यानी कि जब सोने लगा था तो मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे तक उठ जाऊँगा या 7 बजे उठ जाऊँगा, उठ के अच्छी तरह यहीं पर फ्रेश होकर कॉलेज जाऊँगा, नाश्ता वगैरह करके। लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो मेरी पूरे 9 बजे आँख खुली, जिसकी वजह से मैंने नींद को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और मैंने सोना बेहतर समझा, तो मैं फिर सोया रहा। तो बहरहाल बताने वाली चीज़ ये है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन नींद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फोकस ऑन योर ड्रीम्स, और ड्रीम्स के लिए सोना पड़ता है, तो सोना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जो हमने इस टाइम करना है बैठ कर, वो ये है कि हमने कल जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी उसको हमने मुकम्मल करना है, क्योंकि एज यू नो पास वही होता है जो एक रात पहले पढ़ के आता है। तो इसका मतलब ये था कि मैं रात का इंतज़ार करता था, रात हो तो मैं पढ़ूँ, लेकिन इस टाइम माशाल्लाह से रात के 3 बज चुके और मैंने अभी तक स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने लैपटॉप तंग करा था, मैं उसको सही कर रहा था। तो बस हम स्टार्ट करने लगे हैं और फिर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर हम सो जाएंगे। सीन कुछ ऐसा है कि इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, बस कंप्लीट हो गया सारा।
कंपाइलिंग रह गई है, मैं अभी नमाज ही थोड़ी सी लेट हो गई, कल नमाज पढ़ लो उसके बाद बाकी काम करूँगा। तो अब सो तो सकते नहीं क्योंकि अब 8 बजे वैसे उठना पड़ना, यूनिवर्सिटी का टाइम होता है ना। और बस जाग रहे हैं अभी, ख़त्म करके थोड़ी गेमिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम नाश्ता वगैरह करने बैठ लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिलहाल ये बताना था कि काम ख़त्म हो गया, ड्राफ्ट का ड्राफ्टिंग होगी, स्क्रिप्टिंग होगी, और ये मैंने दिमाग में भी प्लान बना लिया कि मैंने फोटोज़ कहाँ से लेनी है, किससे लेनी है और किस किस का इंटरव्यू करना है, सवाल क्या करना है, सवाल मैंने लिखने हैं स्क्रिप्ट में। ये मेरे पास लैपटॉप है मेरा, ये मेरा वो पीसी है जो मैं 8th क्लास से यूज़ कर रही हूँ। 8th क्लास में कोई होता वो मैंने उगा लिया था पूरा, जो मैं मैट्रिक से यूज़ कर रही हूँ वो सिस्टम है, उसको मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, जिस पर सिर्फ मैं ही चलाता हूँ और कि मेरा भाई वगैरह नहीं यूज़ करता क्योंकि उनके मुताबिक ये स्लो है लेकिन मेरे मुताबिक ये बहुत लेवल चलता है। यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप भी इस वीडियो में जो जो मैंने बातें की हैं आपसे, हो सकता है आप उसमें से कुछ सीखने के लिए भी मिला हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम गेमिंग करेंगे और फिर हम 15 मिनट की नैप लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी। बाय।